$200 पर मंथ अर्न करना चाहते हैं ऑन फाइवर, तब ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से $200 पर मंथ अर्न कर सकते हैं ऑन फाइवर। अब ये जीबीओबी की सर्विस उसी पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार पता नहीं लोग पागल होंगे, लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें तो इतना अच्छा हो गया फाइवर पर वर्क करते हुए लेकिन हमें तो वहाँ पर ऑर्डर नहीं मिला। तो भाई ये आपके लक पर डिपेंड करता है। सपोज छोटी सी एग्जाम्पल से आपको मैं समझा दूँ, हम क्लास में कितने लड़के होते हैं जो एजुकेशन हासिल करते हैं और हमें हम कितनों की जॉब होती है और कितने जॉबलेस होते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप आज ही फाइवर पर चले जाएँ तो आप देखें लोग काफ़ी सारी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप ही कर सकते हैं। तीन ऐसे मेथड मैं आपको बताता हूँ, ट्रैफिक सोर्स, आप इन पे वर्क करें विद इन वीक आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने वहाँ पे गिग लगानी है जीबीओबी की। अगर नहीं पता आपको तो ये गेस्ट पोस्टिंग है, किसी की वेबसाइट को प्रमोट करना विद द हेल्प ऑफ सम लेस्ट वेबसाइट को हाईएस्ट वेबसाइट की मदद से प्रोवाइड प्रमोट करना, और आपने बीच में से एज ए सर्विस देंगे और कमीशन अर्निंग करेंगे। अब ये कमीशन आप अपने जैज कैश, ईजी पैसा और पेनर वगैरह में ले सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पेमेंट गेटवे बताया हुआ है और अपने चैनल पर अपनी अर्निंग भी शेयर की है, तो आप डेफिनेटली मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं अगर आपको अगर आप मोटिवेशन के लिए जस्ट अन्य देखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप किस तरह से गिग बनाएंगे और किस तरह से इसको प्रमोट करेंगे, आर्डर लेंगे, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर है। सबसे पहले तो आप लोगों ने गिग बना लेनी है जीबीओबी की। तो अब आप जब जाएंगे ना तो आप यही दूसरों की टाइटल आप कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, आपको ऑर्डर नहीं आने वाला। आपने क्या करना है, एक मैक्रो निश पे फोकस करना है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अमेजन निश साइट पे फोकस करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। अब वो आप कहेंगे कि भाई वो भी आप समझा दें, तो वो भी मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि सपोज करें हम जो ना वो होम पे वर्क कर रहे हैं, सपोज होम एंड किचन है, तो हम हमारी मैक्रो निश नहीं होती और वो चल नहीं सकते, तो वो डेफिनेटली यूज़ करते हैं व्हील साइकिल इसे डेफिनेटली कहते हैं। तो आप इसी पे फोकस करें, जब आप सर्च करेंगे अमेजन निश समालेस्ट निश वेबसाइट तो आपको गूगल प्रोवाइड कर देगा, आप उनको टारगेट करें। आप हाई अथॉरिटी, एक तो मुझे कह रहा था कि भाई हम ना क्या 90 DAPA वाले को मैसेज करें, तो मैंने कहा कि भाई 90 DAPA वाले को मैसेज करने से बेहतर आप ईमेल सेंड ना करें, ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। आप 40 मैक्सिमम 40 रखें, 50 भी कर सकते हैं, मिनिमम 40 मैक्सिमम 50, 50 से ऊपर ना जाए आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर वो मिलेगा भी तो वो चार्ज करेंगे, क्योंकि इतनी वेबसाइट वो बड़ी वेबसाइट रन करें और उनकी अर्निंग मांगने का भी हक बनता है। तो आपने सवाल से वेबसाइट पर फोकस करें। आप गीग आपने लगा दी, अब आपने क्या करना है, तीन मेथड में आपको बताने वाला, आप वहाँ पर वर्क करें। सबसे पहले आपने यूज़ करना है कोरा, Quora.com। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरह से जो ना वो अपनी गिग को प्रमोट करेंगे। अब आप डायरेक्ट जब क्योंकि मैं जो भी बातें आती हैं सीधी अपने जो है ना वो बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि बाद में आप लोगों को जो है ना वो इस इशू का फेस करना पड़े, मैं इशू भी इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट अपनी गिग को प्रमोट करेंगे ऑन कोरा तो आपका अकाउंट मीन्स और जब आप लिंक पेश करेंगे तो कोरा डिलीट कर देगा, ये साफ बात ही है। तो आपने क्या करना है, आपने URL शॉर्ट कर लेना है अपनी फाइवर की गिग का, बिटली से लिंक शॉर्ट कर लेना है, तब आप वहाँ पे पेश करेंगे तो आपको जो है ना वो आपका आंसर डिलीट नहीं करेगा। तो आपने वहाँ पे कोरा पे अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बनाए और वहाँ पे आप लिख दें कि भाई वहाँ पे हाई अथॉरिटी मीन्स बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे कि USA, UK वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के क्लाइंट आपको वहाँ पे कोरा पे मिल जाते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर हमारी लैंग्वेज है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, तो लोग हम उर्दू पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ते, और सेम इट इज़ एज इट इज़ जो गोरे होते हैं ना वो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आप इंग्लिश अच्छी सी लिखें, वो आपको डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ईमेल सेंड करें, पता नहीं हमारी ईमेल कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। नंबर टू, आपने यूज़ करना है पिंट्रस्ट। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपने पिंट्रस्ट को यूज़ करें और वहाँ से आप जो है ना वो क्लाइंट ले सकते हैं। 93% वहाँ पे लोग ऐसे होते हैं जो बायर होते हैं, जो कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप उन्हें ये सर्विस दें। वहाँ पे लोग जितने भी ऑनलाइन स्टोर है, बिजनेस माइक्रो निश वेबसाइट लोग रन कर रहे हैं, तो वो सारी ट्रैफिक कोरा से गेन कर रहे हैं, मीन्स पिंट्रस्ट से गेन कर रहे होते हैं। तो आप वहाँ पे भी आप अपने भी लगाएं, दूसरों के ग्रुप बोर्ड ज्वाइन करें एज इट इज़, फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन हम जिस तरह से करते हैं। नंबर थ्री जो है ना, थ्री पे जो होता है वो है जी आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है। अब आप फेसबुक ग्रुप कौन से ज्वाइन करते हैं जिनकी लेंथ होती है एक लाख होती है मैक्सिमम। आपने एक लाख वालों को आपने ज्वाइन नहीं करना, आपने मैक्सिमम मिनिमम 5 लाख से ऊपर वाले ग्रुप ज्वाइन करें, से नीचे ना करें। फेसबुक का पेज बनाएं, अगर आप लोगों को नहीं पता मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप फेसबुक का पेज बनाएं, उसी पे आप अपनी फेवर की गिग को प्रमोट करें और उसी से ऑर्डर लें। तो आपने फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर स्पैमिंग नहीं करनी, अगर आप स्पैमिंग करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो रिस्क में पड़ सकता है। ये तीन मेथड अप्लाई करें, आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब भी कर दो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए।